Hello everyone, today we will learn about selection method in which we discuss mass selection and pure line method. So just watch this video till end, and if you like this video, please like and subscribe my YouTube channel. So now we will start from mass selection. Mass selection can be used in the improvement of self-pollinated crops by planting segregating population in large plots and harvesting in bulks. So यहाँ पे mass selection mainly mass selection method क्या होता है कि mass selection में हम जो भी mass selection method होता है breeding method रहता है mainly हम cross pollinated के लिए use करते हैं cross pollinated crop के लिए, लेकिन हम इसको अब self pollinated के लिए भी use कर सकते हैं. तो mass selection में क्या होता है, ये self pollinated crops को improvement करने के लिए हम use करते हैं. उसमें हम क्या करेंगे, पहले प्लांट करेंगे या हम पहले जो क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे, बहुत सारी हम सीग्रीगेटिंग पॉपुलेशन ले लेंगे. सीग्रीगेटिंग पॉपुलेशन इन द सेंस कि जिसमें एलील सीग्रीगेट कर सकें, मीन कोई लिंकेज ना हो, ऐसी हम पॉपुलेशन लेंगे लार्ज प्लॉट्स में और फिर हम उसको बल्क में हार्वेस्ट कर लेंगे. मीन इसको ऐसे सिलेक्ट नहीं करेंगे एक एक प्लांट, सारी की सारी जो प्लांट्स लगाए हैं उनको हम बल्क में हार्वेस्ट कर लेंगे. सिलेक्शन में बी प्रैक्टिस्ड इन ईच जनरेशन बाय एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल प्लांट. इसमें क्या करेंगे, हम जो भी अनडिजायरेबल प्लांट होंगे हम उनको हटा देंगे या रिमूव कर देंगे और बाकी सारे हम उसको वापस कल्टिवेट करेंगे या उगाएंगे. मास सिलेक्शन परमिट्स अ लार्ज पूल ऑफ जर्म प्लास टू बी मैनिपुलेटेड एंड कैरीड अलोन. तो मास सिलेक्शन परमिट करता है एक लार्ज पूल ऑफ जर्म प्लास. इसका मतलब ये है कि हम इसमें सिर्फ अनडिजायरेबल प्लांट्स को हटा रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं और कोई सी भी पॉपुलेशन को इसमें रिमूव नहीं कर रहे हैं. इसीलिए ये कई जर्म प्लास, जो अच्छे अच्छे जर्म प्लास होते हैं वो भी आ जाते हैं इसमें, और मोस्ट ऑफ जर्म प्लास को परमिट करता है ये आने के लिए पॉपुलेशन में. अब स्टेप्स क्या हैं मास सिलेक्शन के, स्टेप्स इन मास सिलेक्शन. फर्स्ट ईयर, एक्चुअली मास सिलेक्शन जो रहता है वो हमारा सेवेंथ ईयर तक कंप्लीट हो जाता है. तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ फिनोटिपिकली सिमिलर प्लांट्स आर सेलेक्टेड फॉर देयर वीगर प्लांट टाइप, डिसीज रेजिस्टेंस एक्सेट्रा. द नंबर में वरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड इन फ्यू थाउजेंड्स. सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर कॉम्पोजिटेड टू रेज नेक्स्ट जनरेशन. उनका यहाँ पे कहने का मतलब है, फर्स्ट ईयर में हम क्या करते हैं, बहुत लार्ज नंबर के, एक जैसे फिनोटिपिकली इन द सेंस जो कैरेक्टर में दिखने में सारे प्लांट हाइट वगैरह में सब में सेम हो, तो से लीव्स हाइट वगैरह सब चीज़ों में सेम होते हैं, उन हम सिमिलर प्लांट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं लार्ज नंबर में. उनका विगर देख के, विगर इन द सेंस यहाँ पे पावर, मीन पावर मतलब जो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छा हो सब में, यील्ड में, हाइट और सब चीज़ों में. तो प्लांट टाइप, डिसीज रेजिस्टेंस, जिसका डिसीज रेजिस्टेंस पावर अच्छा हो. द नंबर में वरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड्स इन फ्यू थाउजेंड. हम या तो फ्यू हंड्रेड भी ले सकते हैं, फ्यू थाउजेंड्स भी प्लांट सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें. सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर कॉम्पोजिटेड टू रेज नेक्स्ट जनरेशन. फिर जो हमने सेलेक्टेड प्लांट्स से जो उनको उगाया है उससे हम कंपोजिट करके नेक्स्ट जनरेशन को उगाएंगे. कैसे, जो हमें भी जो सारे सीड मिलेंगे फर्स्ट जनरेशन से उनको यूज़ करके हम सो करके नेक्स्ट जनरेशन उगाएंगे. देन सेकंड ईयर में हम क्या करेंगे, द कॉम्पोजिटेड सीड्स आर प्लांटेड इन अ प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल अलोंग विद स्टैंडर्ड चेक वैरायटी. द वैरायटी फ्रॉम विच द सिलेक्शन वाज मेड शुड आल्सो बी इंड्यूस्ड एज अ चेक टू डिटरमाइन इफ देयर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट ड्यू टू द सिलेक्शन. तो उनका कहने का मतलब है यहाँ पे सेकंड ईयर में कि अगर जो कॉम्पोजिटेड सीड्स हैं उनको हमने प्लांटेड कर लेते हैं किसमें, प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल में, मतलब पहले हम कोई भी काम करने से पहले हम उसको ट्रायल देते हैं ना, मतलब पहले तैयारी करते हैं उसकी कि कैसा होना है. तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमरीली या प्रिलिमिनरी हम उसको
फर्स्टली यील्ड ट्रायल कराएंगे, ठीक है, फिर और किसके साथ, एक स्टैंडर्ड चेक वैरायटी के साथ, एक स्टैंडर्ड वैरायटी रहेगी, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स रहेंगे, जैसे कि कुछ मानक होते हैं कि इतना उसकी यील्ड आनी चाहिए, उससे हम कंपेयर करेंगे। द वैरायटी फ्रॉम इज द सिलेक्शन वॉज मीड शुड बी ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज अ चेक टू डिटरमाइन, और जिस वैरायटी को हमने, मतलब जिस वैरायटी का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको भी हम एज अ स्टैंडर्ड वैरायटी रख सकते हैं, इंक्लूडेड एज अ चेक टू डिटरमाइन इफ देयर हैज़ बीन एन इम्प्रूवमेंट ड्यू टू द सिलेक्शन। अगर यहाँ पे सिलेक्शन की वजह से पहले हम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ चुका है, इसलिए हम उसको एज अ स्टैंडर्ड वैरायटी भी रख सकते हैं, जो कि सिलेक्शन, जिसमें हम सिलेक्शन कर रहे हैं। फिर थर्ड टू सिक्स ईयर क्या होता है, अभी फर्स्ट सेकंड ईयर हो गया है कि फर्स्ट ईयर में हमने ऐसे लिया, प्लांट को ग्रो किया, बल्क में अनडिजायरेबल प्लांट को हटाया और फिर बल्क में हमने उनको ले लिया। फिर सेकंड ईयर में हमने क्या किया इसका, कि सेकंड ईयर में हमने इसको प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल करवाए, और उसके बाद थर्ड ईयर, थर्ड टू सिक्स ईयर हमने इसको क्या किया, द वैरायटी इज इवैल्यूएटेड इन कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स ऑफ सेवरल लोकेशंस। हम इसको अभी हमने सिंपल यील्ड ट्रायल्स करवाए थे, अब हम लोकेशन में ट्रायल कराएंगे, मतलब सेवरल लोकेशन यूज़ करके हम इसको यील्ड ट्रायल करवाएंगे। नाउ इन सेवेंथ ईयर, तो थर्ड टू सिक्स ईयर सिर्फ यही होगा, फिर सेवेंथ ईयर में क्या होगा, द वैरायटी में बी रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन इफ फाउंड सुटेबल एंड इफ रिकमेंडेड। तो फिर सारी जो अगर हमारी वैरायटी सेलेक्ट हो जाती है, या द वैरायटी मतलब कल्टीवेशन के लिए रिलीज हो जाती है सेवेंथ ईयर में, अगर वो सुटेबल मानी जाती है या वो सारे स्टैंडर्ड को फुलफिल करती है उस टाइम, तो ऐसे हमारी मास सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका। नाउ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मास सिलेक्शन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, मास सिलेक्शन हैज़ टू बेसिक एप्लीकेशन। मास सिलेक्शन में क्या होता है, इसकी दो बेसिक एप्लीकेशन है, कैसे कि ये एक तो लोकल वैरायटीज़ का इम्प्रूवमेंट करता है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है जेआरएफ में कि लोकल मतलब व्हाट्स द मेथड ऑफ टू इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल वैरायटीज़ इन ब्रीडिंग। सो हम आंसर दे सकते हैं कि मास सिलेक्शन है, और सेकंड ये क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग वैरायटी होती हैं उनको प्योरीफाई करता है या प्योरीफिकेशन करता है उनका, अगर उनमें कुछ भी अनडिजायरेबल या ख़राब उसके ग्रेन्स आ जाते हैं, या कोई जैसे किसी दूसरी वैरायटी के आ जाते हैं या कुछ भी आ जाते हैं, तो हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं मास सिलेक्शन को यूज़ करके। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शन का लाभ क्या है यहाँ पे, ये इट रिटेन्स कंसीडरेबल जेनेटिक वेरिएबिलिटी। मास सिलेक्शन में क्या होता है कि इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, तो इसका क्या होगा, ब्रॉड जेनेटिक बेस होगा। फिर ये रिडक्शन करता है, रिडक्शन इन टाइम एंड कॉस्ट, बिकॉज एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड यील्ड ट्रायल्स आर एक्सपेंसिव। तो ये क्या होता है, अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड यील्ड ट्रायल्स करेंगे, तो वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं और टाइम भी बहुत ये यूज़ करते हैं। बट ये क्या होता है, सेवन ईयर में ही कम्प्लीट हो जाता है, इसलिए इसका टाइम भी बचता है और ये हमें एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता है या कॉस्टली भी नहीं होता है। सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर सेलेक्टेड, द एडेप्टेशन ऑफ ओरिजिनल वैरायटी इज नॉट चेंज। तो क्या होता है, जो ओरिजिनल वैरायटी होता है होती है उसका हम मतलब जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स रहेंगे हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्टेड द एडेप्टेशन ऑफ ओरिजिनल वैरायटी इज नॉट चेंज, और जो ओरिजिनल वैरायटी रहती है उसमें भी एडेप्टेशन में कोई चेंज नहीं आता, और हम वो ईजिली उसका एडेप्टेशन हो जाता है। और डिसएडवांटेजेस ऑफ मास सिलेक्शन, तो मास सिलेक्शन के मतलब क्या डिसएडवांटेज हैं, तो इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, मेनली कि द वैरायटी शो वेरिएशन। एक तो ये वेरिएशन शो करती है, अगर हमें होमोजाइगस या होमोजाइगोट्स चाहिए तो क्या है कि फिर हमें वेरिएशन नहीं चाहिए होगा, या प्योर लाइन चाहिए, तो फिर हम ये मास सिलेक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि ये वेरिएशन शो करती है। और द इम्प्रूवमेंट फ्रॉम मास सिलेक्शन इज जनरली लेस दैन दैट थ्रू प्योर लाइन। तो क्या होता है कि जो इम्प्रूवमेंट होता है मास सिलेक्शन के द्वारा, वो प्योर लाइन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए ये प्योर लाइन से तो उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकता है।
इट इज़ नॉट कॉमनली यूज इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. एक्चुअली ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में मोस्टली यूज़ किया जा रहा है आजकल. इन द एब्सेंस ऑफ प्रोजेनी टेस्ट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन इफ द सेलेक्टेड प्लांट इज होमोजाइगस. और क्या होता है कि प्रोजेनी टेस्ट के एक्चुअली ये क्या होता है प्रोजेनी टेस्ट इसमें मास सिलेक्शन में नहीं किया जाता है. मास सिलेक्शन में हम प्रोजेनी टेस्ट यूज़ नहीं करते हैं. इसीलिए क्या होता है ये इम्पॉसिबल रहता है हमें ये पता लगाना कि जो सिलेक्टेड प्लांट है वो होमोजाइगस है कि नहीं है. तो द वैरायटी तो एक ये इसका डिसएडवांटेज हो गया. द वैरायटीज आर मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देन प्योर लाइन इन सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम. तो जो वेराइटीज़ रहती हैं वो बहुत मुश्किल रहता है हमें आइडेंटिफाई करना उनको सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में कि वो प्योर मतलब प्योर लाइन की कंपैरिजन में जो वेराइटीज़ को आइडेंटिफाई करना यहाँ पे टफ रहता है. तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ. नाउ वी विल डिस्कस प्योर लाइन ब्रीडिंग. सो इन प्योर लाइन ब्रीडिंग क्या होता है यहाँ पे दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ फ्रॉम द ओल्ड लैंड वेराइटीज़ दैट हैव पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ऑफ द फार्मर्स. एक्चुअली इसमें क्या होता है जो हमारी पहले लोकल वेराइटीज़ होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन जाती हैं फार्मर को पास हो जाती हैं. मीन वही लोग यूज़ करते रहते हैं फार्मर्स. मोस्ट प्लांट सेलेक्टेड फ्रॉम सच वेराइटीज़ कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी होमोजाइज एंड हैंस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ न्यू ट्री ब्रीडिंग वेराइटी. एक्चुअली प्योर लाइन होता क्या है. प्योर लाइन क्या होता है. प्योर लाइन इज़ द प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज या सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट. तो एक्चुअली इसमें क्या होता है जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट रहता है उसकी होमोजाइगस वैरायटी को ही हम क्या बोलते हैं प्योर लाइन बोलते हैं. और इस मेथड को जिसमें हम सेलेक्शन करते हैं प्योर लाइंस का उस मेथड को हम प्योर लाइन ब्रीडिंग बोलते हैं या प्योर लाइन मेथड बोलते हैं. अब ये प्रोसीजर क्या है इसमें. पहले तो हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ सिंगल प्लांट. Select the number of single plant, compare their progenies in field trials and save the single most valuable progeny as a new variety. हम क्या करेंगे पहले तो कई number of select single plants को हम इकट्ठा कर लेंगे पहले तो अलग अलग और फिर हम उनको compare करेंगे उनकी progenies को field trials में. Actually इसमें प्योर लाइन में क्या होता है progeny test होता है. तो फिर हम उनके जो यील्ड ट्रायल फील्ड पे जो ट्रायल्स होंगे उनको हम कंपेयर करेंगे फिर क्या होंगे एंड सेव द सिंगल मोस्ट वैल्यूएबल प्रजैनीज एज अ न्यू वैरायटी. फिर जो मोस्ट वैल्यूएबल प्रजैनी होगी मीन जो फिनोटिपिकली और मेनली होमोजाइगस होगी और बहुत अच्छा जिसका परफॉर्मेंस होगा उसको हम एज अ न्यू वैरायटी सेव कर लेंगे. Many valuable varieties are traced back to a single chance variant noticed and selected by farmers. तो कई valuable जो varieties होंगी वो क्या होंगी traced back to जाती हैं to a single chance variant noticed and selected by farmers. तो प्योर लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर लाइन सेलेक्शन. तो प्योर लाइन सेलेक्शन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं. द फिनोटिपिक डिफरेंस विद इन अ प्योर लाइन इज एनवायरमेंटल एंड देयरफॉर नॉन हेरिटेबल. इनका कहने का मतलब ये होता है कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है और ना कोई फिनोटिपिकली डिफरेंसेस आते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर वो उनकी पॉपुलेशन है तो. अगर कोई अगर डिफरेंस हमें दिख रहा है तो या तो ये एनवायरमेंटल होगा और ये कोई नॉन हेरिटेबल नहीं होगा. मीन ये जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं आता है इसमें इनके कैरेक्टर्स में. द प्योर लाइन बिकम जेनेटिकली वेरिएबल एंड टाइम ड्यू टू मैकेनिकल मिक्सचर म्यूटेशन एक्सेट्रा. इनका कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो प्योर लाइन होती है वो जेनेटिकली वेरिएबल कब हो जाती है टाइम के साथ हो जाती है अगर उसमें कभी मैकेनिकल मिक्सचर हो जाता है या फिर म्यूटेशन होता है. ये चीज़ें इसको क्या कर देती हैं वेरिएबल आ जाता है इसमें. यूजेज ऑफ प्योर लाइन. प्योर लाइन का यूज़ क्या है. सुपीरियर लाइन इज़ यूज्ड एज अ वैरायटी. जो भी सुपीरियर लाइन होगी प्योर लाइन में वो उसको हम एज अ वैरायटी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड एज अ पेरेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी बाय हाइब्रिडाइजेशन. तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ पेरेंट. और इसके एप्लीकेशन क्या है प्योर लाइन सेलेक्शन की.
इट इज़ यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल वराइटीज हैव अ कंसिडरेबल जेनेटिक वेरिएबिलिटी फॉर एग्जाम्पल वीट वराइटी MP4 एंड MP52। तो हम इनको लोकल वेराइटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, मीन लोकल वेराइटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास थोड़ी सी वेरिएबिलिटी होती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, तो हम उनको प्योर लाइन कर सकते हैं जिसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जैसे कि हम वीट वेराइटी रहती है NP4 NP52, इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंट्रोड्यूस मटेरियल टू डेवलप सिटेबल वेराइटीज़, फॉर एग्जाम्पल शाइनिंग मूंग 1 सेलेक्टेड फ्रॉम कुल्लू टाइप 1। तो इन जो इंट्रोड्यूस मटेरियल है, जो हम कभी कहीं बाहर से इंट्रोड्यूस किया है, किसी दूसरे मतलब कहीं हम बाहर से लाए हैं और हमने उसको यहाँ अपने एरिया में उसको इंट्रोड्यूस कराया है, तो उनको भी हम सुटेबल वेराइटीज़ बनाने के लिए या उनको प्रैक्टिस में लाने के लिए हम ये सिलेक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिसीज रेजिस्टेंस, ग्रेन टाइप, प्लांट टाइप। हम इस ये क्या एक अपॉर्चुनिटी देता है क्या सिलेक्शन करने के लिए, जो न्यू कैरेक्टर्स रहते हैं जैसे कि डिसीज रेजिस्टेंस हुआ, ग्रेन टाइप हुआ, प्लांट टाइप हुआ, तो क्या होगा इसमें हम प्योर लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे डिसीज रेजिस्टेंस कोई में अगर पावर हुआ या डिसीज रेजिस्टेंस कोई में एक कैरेक्टर हुआ प्रजैनी में, तो हम उसको कलेक्ट कर लेंगे तो वो ईजली एक्सप्लॉयटेबल होगी। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वाला मेथड। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन इन द सीग्रेगेटिंग जनरेशन फ्रॉम क्रॉसेस। ये क्या करता है, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसके लिए, फॉर सिलेक्शन इन द सीग्रेगेटिंग जनरेशन फ्रॉम क्रॉसेस। तो जो सीग्रेगेटिंग जनरेशन रहती है, जो हमने क्रॉसेस कराए हैं, तो उससे जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं वैरायटी को, उस ये एक हमें अच्छा चांस देता है। मेरिट्स ऑफ प्योर लाइन मेथड। तो प्योर लाइन मेथड के क्या मेरिट्स हैं, प्योर लाइन सेलेक्शन अचीव मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रूवमेंट ओवर द ओरिजिनल वैरायटी। ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट देता है वैरायटीज़ में। प्योर लाइन सेलेक्शन अचीव मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रूवमेंट ओवर द ओरिजिनल वैरायटी। इट्स ईजियर दैन हाइब्रिडाइजेशन, रिक्वायर्ड लेस स्किल। एक्चुअली ये क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन से ज़्यादा ईजी पड़ता है और इसमें स्किल्ड लेबर की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन वाला सिलेक्शन है, इसमें हम इजीली कर सकते हैं। यूज़ फॉर डेवलपिंग इनब्रीडिंग लाइन एंड प्योर लाइन। इसमें हम प्योर लाइन बनाने के लिए और इनब्रीडिंग लाइन बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डीमेरिट्स ऑफ प्योर लाइन। तो प्योर लाइन के डीमेरिट्स क्या हैं, इट इज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव एंड लेवरियस। क्या होता है, ये बहुत तो महंगा होता है और इसका काम भी बहुत लेवरियस होता है, इसीलिए ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में तो यूज़ ही नहीं हो सकता। द वैरायटी डेवलप कांट बी ईजली मेंटेन बाय द फार्मर्स। और जो वैरायटी डेवलप की जाती है वो ईजली मेंटेन नहीं की जा सकती फार्मर के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही प्योर लाइन और ये होमोजाइगस रहती है। तो क्या होता है कि इसमें आउट क्रॉसिंग नहीं हो सकती, या आउट क्रॉसिंग अगर होती है तो वो इम्प्योर हो जाती है वैरायटी। तो एक्चुअली इट्स वेरी टफ टू मैनेज इट। द वैरायटीज डेवलप्ड बाय प्योर लाइन सेलेक्शन डू नॉट हैव वाइड एडेप्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन। तो उनका कहने का मीन है कि द वैरायटीज डेवलप्ड बाय प्योर लाइन सेलेक्शन, जो वैरायटी विकसित की जा रही है प्योर लाइन सेलेक्शन के द्वारा, डू नॉट हैव वाइड एडेप्टेबिलिटी। हाँ, तो इसमें क्या होता है, नैरो जेनेटिक बेस होता है। जैसे मैंने बताया पहले, मास सेलेक्शन में ब्रॉडर जेनेटिक बेस होता है। इसका मीन ये है कि ये कम एडेप्टेबिलिटी रहती है प्योर लाइन में इन्वायरमेंट को लेके। मीन अगर एडवर्स कंडीशन आती हैं या अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, एंड स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन, और इसमें लो स्टेबिलिटी रहती है प्रोडक्शन में। द अपर लिमिट ऑन द इम्प्रूवमेंट इज क्रिएटेड बाय द जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। सो यहाँ पे हमारा जो था मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन फिनिश हो गया है। थैंक यू।